नोटबंदी और जीएसटी को लेकर चौतरफा घिरी मोदी सरकार अब अपने ही घर में घिरती नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के बाद अब बीजेपी के फायर ब्रांड शत्रुघ्न सिन्हा ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा का समर्थन करते हुए सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यशवंत सिन्हा एक बड़े नेता हैं और वह देश के सबसे सफल वित्त मंत्रियों में रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर आईना दिखाया है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में मोदी सरकार की सहयोगी शिवसेना ने मुखपत्र सामना के संपादकीय में मोदी सरकार को चुनौती दी है कि अगर यशवंत सिन्हा गलत हैं तो साबित करें। सामना में लिखा है कि गुजरात में लोग कह रहे हैं कि विकास पागल हो गया है। सिर्फ गुजरात ही क्यों, पूरे देश में विकास पागल हो गया है कि तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सामने ला रहे हैं। शिवसेना ने लिखा कि सिन्हा गलत होंगे तो सिद्ध करो कि उनके आरोप झूठे हैं। सिन्हा कोई ऐरे गैरे नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वह वित्त मंत्री थे। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपने एक लेख में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर करारा हमला बोला है और उन पर अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।